अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फुरकान बशीर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, जब आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी सारे ड्राइवर्स मिसिंग होते हैं। उसकी पहचान इस तरीके होगी, फ़र्ज़ किया आपकी जो है ग्राफिक्स वो टेढ़ी पेढ़ी नज़र आ रही है, या ऑडियो आवाज़ नहीं आ रही, या इंटरनेट का ड्राइवर मिसिंग है, तो वो किस तरह चेक होगा वो आज मैं आपको बताऊँगा। आपने माई कंप्यूटर पर जाना है, राइट क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने चले जाना है डिवाइस मैनेजर पे। ये देखें, ये बैटरीज है, ब्लूटूथ है, कंप्यूटर है, ये सब इसके ड्राइवर्स हैं। ये इसको सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ प्रॉपर काम कर रही है। जो चीज़ प्रॉपर काम नहीं करती वो यहाँ पे अदर डिवाइसेस में आ जाती है। जैसे ये SM बस कंट्रोलर, ये मेरे सिस्टम में जो है ना अपडेट नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर ब्लू येलो जो है सैम्पल बन के आ रहा है। इसको इंस्टॉल करने के लिए एक तो ये तरीका होता है कि आप इसे अपडेट ड्राइवर कर दें, या इसका दूसरा मैनुअली तरीका ये होता है। अगर अपडेट ड्राइवर से भी नहीं होता, मैनुअली तरीका ये है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। मैंने स्काई ड्राइवर के नाम से जो है ना एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है, पूरा मुकम्मल सेटअप है, आपको गूगल क्रोम से मिल जाएगा, बआसानी मिल जाता है। तो इसके सेटअप पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये हार्डवेयर स्कैनिंग कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं चिपसेट, ये सारे आपने टिक कर देने। उसके बाद नेटवर्क, मॉडम, कैमरास, अदर्स, ये सारे आपने टिक करके स्टार्ट कर देने। जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, आपके सिस्टम जितने भी मिसिंग ड्राइवर होंगे वो सारे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। तो मैं इसलिए स्टार्ट का बटन नहीं दबा रहा क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मेरा मकसद जस्ट आपको समझाना था, स्टार्ट करने से आपके तमाम ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। उम्मीद है मुझे आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।